हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिस्ट पॉइंट। इस वीडियो में मैं आपको यूपी लेखपाल 12 सितंबर 2015 को जो सेकंड मीटिंग में पेपर हुआ था उसके जीके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको ये पूरा पेपर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये 51 क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 25-25 नंबर के चार सब्जेक्ट आएंगे, तो ये उसमें से जीके का है। ये 25 क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए 51 से शुरू हैं और ये 75 तक हैं। तो ये सबके क्वेश्चन, इनके आंसर मैं आपको बताता हूँ और जिनका एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है पहला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो उसका चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, 1942 में, 1942 में शुरू किया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन्हें पढ़िए और इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोमागाता मारू घटना। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए ये वो घटना है जिसमें भारतीय अप्रवासियों से भरे कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज को मई 1914 में कनाडा में प्रवेश नहीं करने दिया था और वापस भेज दिया था। इसी घटना के बाद गदर आंदोलन आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 53, निम्नलिखित में से कौन सा मेरु रज्जू का एक महत्वपूर्ण कार्य है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। मतलब इसका कार्य होता है हमारे दिमाग से जो तंत्री के संकेत निकलते हैं उनका पूरी बॉडी में संचारण करता है, मतलब पूरी बॉडी में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन ऑप्शनों को देखिए उसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यसभा। इसके बारे में आर्टिकल 67 में दे रखा है, राज्यसभा द्वारा प्रभावशाली बहुमत से पारित प्रस्ताव और लोकसभा से सामान्य बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसके चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो इसमें से इसका राइट आंसर है वैलियम। इसमें प्रशांतक क्या क्या मतलब है, प्रशांतक का मतलब शांति, ठीक है? तो मतलब ये कैसी औषधि होती है, क्या कार्य होता है इसका, मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को शांति प्रदान करने के लिए मस्तिष्क के कार्य को परिवर्तित करता है, मतलब शांति के, शांति में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है? देखिए इसकी वीडियो में डिटेल में तो बाद में बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा इसमें बता देता हूँ आपको। राष्ट्रीय आय क्या होती है हमारी, एनएनपी, एनएनपी को हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। अब देखिए एनएनपी यहाँ पर दो दे रखी है, एनएनपी के बारे में आपको बता देता हूँ, ये एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। पहली बात तो एनएनपी की फुल फॉर्म क्या होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अपने भारत के व्यक्ति द्वारा जो आय होती है, चाहे वो भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, मतलब या तो विदेश में हो या भारत में हो, तो उनकी जो दोनों मिलाकर आय होती है वो एनएनपी होती है, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये एनएनपी दो दे रखे हैं, ये तो देखिए ये है एनएनपी एमपी, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहाँ दे रखा है एट मार्केट प्राइस, और यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें टैक्स भी इंक्लूड हो जाता है इस वाले में एनएनपी में। तो मतलब अगर हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो एनएनपी एमपी इज इक्वल टू एनएनपी एफसी प्लस यहाँ पर टैक्स भी आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो आप इसे समझ गए होंगे, और बाकी मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कभी। तो इसका राइट आंसर डी हो गया, एनएनपी एफसी, मतलब इसमें इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, इसमें होता है, तो ऑप्शन इसका डी सही है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दे रखा, देखिए 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियनशिप स्विस ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? देखिए उस समय के हिसाब से ये करंट का क्वेश्चन हो गया, करंट जीके का क्वेश्चन हो गया, तो आप इससे समझ सकते हैं कि मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं।
तो लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस बार भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देख लेना। तो इसका राइट आंसर इसमें ए है, के श्रीकांत, इसका पूरा नाम है केदाम्बी श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 59 क्वेश्चन दे रखा है। काविनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन सी कावेरी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ऑप्शन देखकर इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पहली पत्नी थी, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? कंपायमान मतलब वाइब्रेशन करते हुए, तो दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य। इसका ऑप्शन ए ठीक है, तरंग दैर्ध्य। आपको पता होगा अगर ये कोई ग्राफ है तो कोई कण अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो इस तरीके से उसका ग्राफ बनता है। तो इस तरीके से यहाँ से किन्हीं भी दो कणों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी होगी, ये क्या होती होगी? उसकी तरंग दैर्ध्य। इंग्लिश में हम इसे वेव लेंथ कहते हैं, इसे हम लैम्डा से दिखाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होती है? वेव लेंथ, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए यहाँ डैश यहाँ पर भरना है, क्या आना है, कौन सा मॉडल? मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो यहाँ क्या आना, आप ठीक से पढ़िए और यहाँ पर देखिए ऑप्शनों को। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन महालनोबिस, दूसरा पूरा PURA, और तीसरा ऑप्शन देखा गांधीवादी, और चौथा ऑप्शन LPG। तो इसका राइट आंसर है पूरा, PURA। तो इस पूरे की फुल फॉर्म क्या है? इस पूरा वाला कंप्लीट वाला पूरा नहीं है ये, तो इस पूरा की फुल फॉर्म होती है PURA की, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज रूरल एरियाज। तो यहाँ पूरा आएगा, ठीक है, ये पूरा आएगा यहाँ पर। इसकी फुल फॉर्म आप लिख लीजिए ठीक से, प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने नए W14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया, जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो बताइए कौन सा था ये। देखिए ये 7 जून 2015 की बात है, तो उस समय के हिसाब से ये करंट जी के था, तो 7 जून 2015 को चीन ने परीक्षण किया था। इसका बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर वीडियो पहले बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ACDC के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? डायनमो ए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह दे रखा, देखिए निम्नलिखित में से कौन से देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका तो आपको देखिए पता ही होगा, चीन, USA, रूस या फिर भारत। तो फिर किसका है दूसरा स्थान? ऑप्शन डी अपना भारत, अपने भारत का दूसरा स्थान है धान उत्पादन में, पहला किसका है? चीन का। तो ये दोनों मिलाकर 50% तो यही कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2015 के सर्वोच्चतम कल्याण संगठन पुरस्कार से को सम्मानित किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था? यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो उसका ऑप्शन डी ठीक है, नेशनल यूनियन ऑफ सी फेयर्स ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय समुद्र गमन संघ, यहाँ पर सी फेयर्स का मतलब है समुद्र गमन, तो डी ऑप्शन इसका ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तो किसे जाना जाता है इन्हें देखकर बताइए। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है, निम्नलिखित में से कौन से एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? अगर आपको इन 5 राज्यों के नाम नहीं पता होगा, मतलब जिसकी ज़्यादा जनसंख्या है, तब भी आप इसे लगा दो, क्योंकि केरल तो छोटा सा ही है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, केरल। तो वो 5 राज्य कौन से हैं? यहाँ पर जो दे रखा क्वेश्चन में, आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में है, तो ये 5 राज्य कौन से हैं? ये 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और
मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इन ऑप्शनों को देखकर बताइए क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, बाबा रामचंद्र। इन्होंने 1920 और 1930 के दशक में जमींदारों के शोषण के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चे का गठन किया और अवध के किसानों को संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? वर्तमान में मतलब देखिए उस समय 2015 में कौन था, लेकिन इसका ऑप्शन ए ठीक है, ये अब भी यही हैं, जिम योंग किम, अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष यही हैं। ये कब से हैं? 23 मार्च 2012 से यही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशरूम किसके उदाहरण हैं? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसका भी आपको पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंजाई, कवक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई? ड्राइवर रहित मतलब बिना ड्राइवर की, तो किससे प्राप्त हुई थी? आपको वैसे लग रहा होगा कि जापान है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? बी, दक्षिण कोरिया, जापान के पास में ही है वैसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से हैं? तो पहले किसने पंचायती राज स्थापित किया गया था? राजस्थान के एक जिले में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए यहाँ पर 74 क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? 2.4%। देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सातवां स्थान है, मतलब सातवां सबसे बड़ा देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, इसमें से इसका राइट आंसर है तोसाली। वर्तमान में ये उड़ीसा है कलिंग। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे पता चलेगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। और इससे आगे मैं इसकी लेखपाल के मैथ की वीडियो भी अपलोड करूंगा, जिस जो 25 क्वेश्चन मैथ के आए थे उसे दो पार्टों में मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे की आप सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।